शिवाय, ओम पितृ देवताय कुलदेव तभ्यो नमो नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उपाय। हमारी वीडियो विलंब थोड़ा से इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं इधर उधर की वीडियो या कोई मजाकिया तौर पे प्रयोग नहीं डालना चाहता हूं। मैं वही प्रयोग डालना चाहता हूं, वही प्रयोग उपाय देना चाहता हूं जो वर्षों से हमारे भारतवर्ष में हमारे बड़े बुजुर्ग आजमा रहे थे। वही प्रयोग देना चाहता हूं जो हमारे वैदिक शास्त्र में, वही प्रयोग देना चाहता हूं जो प्रमाणिक हो, वही प्रयोग देना चाहता हूं जो हमारे भाइयों बहनों का दुख दूर कर सके। तो आज इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त प्रयोग। यह प्रयोग आप फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाए गए हो, फर्जी केस चल रहा हो, फर्जी उत्पीड़न केस चल रहा हो, कहने का तात्पर्य मुकदमे में आप किसी तरीके से फंसाए गए, वो दहेज प्रथा, हरिजन एक्ट, एनीवे किसी टाइप का हो, सिर्फ फर्जी हो, तो उसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट पूछिए मत। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे, गुरुजी आपके चरण कहां है? वाकई मेरे चरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चरण उस प्रभु के पढ़िए, उन माता पिता के पढ़िए जिन्होंने आपको जन्म दिया। माता पिता की सेवा करना अनिवार्य। आज हम लोग इसीलिए परेशान है कि अपनी मां को, अपने पिता को कष्ट दे रहे हैं और सास ससुर को मम्मी पापा बोल रहे हैं। तो आइए, मुस्कुराइए ना, ये सत्य बात है। आइए हम बताते हैं इस प्रयोग को। प्रयोग को बताने से पहले निवेदन है कि मैं देश हित के लिए, लोक हित के लिए, जन हित के लिए कार्य कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरा साथ दें, अपना आशीर्वाद दें, हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे मुझे तो बिल्कुल पैसे मत दीजिए, किसी को दें या मत दें इससे नहीं मतलब है, क्योंकि विद्याएं बेचने के लिए नहीं होती, व्यापार करने के लिए नहीं होती हैं विद्याएं। ये हमारी वैदिक विद्याएं हैं, लोगों के हित के लिए होती वैदिक विद्याएं हैं, लोगों के कष्ट दूर करने के लिए होती वैदिक विद्याएं हैं, जन कल्याण के लिए होती, ना कि व्यापार के लिए होता है। वो तो अगले की स्वेच्छा है, प्रसन्न चित होकर आपको क्या दे। तो आइए विलंब ना करते हुए उपाय बताते हैं। अगर आपको उपरोक्त तरीके से किसी मामले में फर्जी तरीके से फंसाया गया हो, केस चल रहा, तो करना क्या है, किसी भी पूर्णिमा को, किसी भी पूर्णिमा को आपको एक बड़ा टब लेना है जिसमें पानी भर जाए, एक पानी वाला नारियल लेना है, नारियल को छील लेना है और गोले को लेना है जिसमें पानी रहे। आप उसी टब को अपने सामने रखकर जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं 108 बार पढ़कर पानी पर फूंक दीजिएगा। मंत्र है, ओम नारी फलम न्याय प्रिय गंगणपते नमः, ओम नारी फलम न्याय प्रिय गंगणपते नमः। इस मंत्र को आप 108 बार पानी पर पढ़ने के पश्चात, ये कब करना है, जैसे आपकी कल डेट है, कल आपको जाना मुकदमे में, तो आज की रात कर देना है 12 से 1 के बीच में, ठीक है। जिस यानी अगली मॉर्निंग में जाना, तो आज की रात ये प्रयोग करना है, दिन कोई भी हो इससे नहीं, आप अगले डेट जिस दिन आपकी मुकदमे की डेट हो उस दिन उसी रात को यह करना है। अब यह पढ़ने के बाद उस नारियल को पानी के अंदर रखें, बर्तन के ऊपर, बर्तन के पानी के अंदर कोई पत्थर या ईंट रख दो, उसी पर नारियल रख के हथौड़े से किसी चीज से फोड़ दो कि जो नारियल है वो पानी के अंदर फूट जाए। यकीन मानिए ये बहुत ही अद्भुत चीज है, और ये असम में बहुत, जो हमारे बहुत बुजुर्ग लोग पढ़े उनके पास ये विद्याओं का नॉलेज है, उनको मालूम है, बाकी ये चीज लुप्त होती चली जा रही। अब जब नारियल फोड़ देंगे तो आपको प्रणाम करके पानी को उठ के चले आना, पानी को वहीं रहने देना है। अगले दिन आप प्रातः काल उठ के उसी पानी से स्नान कर लेंगे और उस नारियल का एक टुकड़ा जेब में रखकर मुकदमे की डेट पर जाइएगा, जज के सामने जाइएगा, न्यायिक जो होगा उसके सामने जाइएगा, पंचायत में मुखिया के सामने जाइएगा, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों बहनों कहता हूं तो लोग कहते हैं कि गुरुजी मोदी की नकल करें, मोदी की नकल कोई नकल वकल नहीं है, हमारे भाई बहन है, माता बहन है, तो मैं बोलता हूं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, आप इसको करवा के देखिए और इसका फल आपको
एनी डे यानी उसी दिन आपको ना दिखे, सेम डे ना दिखे, तो आप बोलना इसको एनी डे आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपके तरीके हमारे बहुत ऐसे भाई बहन है जो फर्जी तरीके से फंसाए गए, तो निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, कहीं कुछ नहीं लग रहा, मैं पैसे नहीं ले रहा हूं, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे पैसा देना महाअपराध है। और तंत्र मंत्र यंत्र वैदिक चीजें, ये बिकाऊ चीज नहीं, व्यापार की चीजें नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है। वेद में लिखा है इसका व्यापार करने वाले का विनाश हो जाता, अर्थात उसकी जो दूसरी कुल रहती है उसका पतन हो जाता। आप देख लीजिए अपने अगल बगल जितने लोग होंगे, पता चलेगा वो दादा उनके तंत्र मंत्र करते थे, उनके घर की दशा देख लीजिए आज क्या है। मित्रों ये प्रयोग करिए, लाभ उठाइए। मेरा फोन सुबह 9 बजे से 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का, रविवार को छुट्टी रहती, व्हाट्सएप पे बहुत जवाब नहीं दे पाता हूं। और साधनाएं तो जिन साधना, ब्रह्म साधना, शिव उपासना, बाल गणेश साधना, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, कलवा साधना, बहुत ऐसी साधनाएं हैं कि यूट्यूब पे देना चाहे हम भी दे दें। लेकिन जानते हो क्या है, यूट्यूब से कभी बुढ़े हो जाओगे सफल नहीं होगे। सत्य बात यह है, यूट्यूब के देख के साधना सोचो, बड़ी साधना कर ले, कभी नहीं सफल होंगे, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका नुकसान हो, क्योंकि ये गुरु शिष्य के आमने सामने बैठने से परंपरा अंतर्गत दीक्षित होके और गुरु के सानिध्य में रहकर ये विद्याएं की जाती हैं। जो भक्त हमारे चाहते होंगे, जो हमारे भाई बहन चाहते होंगे, लॉकडाउन के बाद आइए, निःशुल्क दूंगा, यहां एक रुपया भी नहीं देना, ना चढ़ाना, ना रजिस्ट्रेशन, ना प्रेजेंटेशन, कुछ भी नहीं, आइएगा, निःशुल्क दूंगा, आपको पूरा दीक्षित कर देंगे, कैसे करना है सिस्टम बता देंगे, जाके अपने यहां करिएगा, निगाह मैं यहां से धरूंगा, एक रुपए की आवश्यकता नहीं, काहे का रुपए लूं। आप सफल हो जाएंगे तो हमारे बीच ऐसा रिश्ता हो जाएगा कि जब लेना देना होगा तो हम आपको बेटे की हैसियत से मांग लेंगे, आप बाप की हैसियत से दे देंगे, गुरु चेले का ये रिश्ता होता है। जय माता की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसा करेंगे तो मैं विश्वास मानिए कि ऊपर वाला जो देख रहा है आपकी नियत को कि हाँ ये बंदा सही है, सही विचारधारा के अपने साथ साथ लोक जन कल्याण की भावना का ख्याल रखता है, तो उसका भी आशीर्वाद आपको लगेगा। माता रानी आपको, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, धन धान से परिपूर्ण रखे, ऐसी कामना करता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।